गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मेरा फिफ्थ व्लॉग है, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। और जो अभी नए लोग हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको अपने फोर ज्वेलरी पीसेस दिखाती हूँ, तो आज भी मैं आपको फोर पीसेस ज्वेलरी के दिखाऊंगी। और इससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जो भी नए लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं व्लॉगिंग करना, लेकिन उन्हें अंदर से लगता है कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते हैं, व्लॉग कैसे बनाएंगे, हम नहीं फेस कर सकते कैमरा या हम नहीं बोल सकते। तो अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो फिर तो सभी कर सकते हैं। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था नहीं बोल सकती मैं ऐसे कैमरे के आगे। बट मैंने कुछ दिन ऐसे ही अपनी वीडियोस बनाई कैमरे में, और फिर उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया। तो उसके बाद एक दो दिन में मुझे आदत हो गई इन सब चीज़ों की, और अब तो मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। और पूरे मतलब दिन में मतलब रहता है कि हाँ, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और एक रूटीन सा बन गया है। मतलब अब अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे व्लॉगिंग करनी है, रेडी होना है, तो अच्छा लगता है। कुछ मतलब लाइफ में एक मतलब चेंज सा आ गया है मेरी, कि हाँ, मुझे कुछ मतलब वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए बैठना है, टाइम निकालना है। तो मतलब मेरा टाइम भी अब इजीली पास हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको मैं अपने ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ही मैं आपको रेड कलर का एक सेट दिखाऊंगी, जो कि इस तरह से है। देखिए, इसमें क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं अभी इसको बैक कैमरे से भी लास्ट में एक बार आपको शो करूंगी। क्रिस्टल का और इसमें मोती का वर्क हो रहा है, कुंदन अनकट कुंदन में है, और उसमें स्टोन लगे हुए हैं। और इसके जो इयररिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, देखिए इस तरह से। और इनको मैं ये पहनने के बाद कैसा लुक देते हैं, तो उसके लिए मैं इनके शॉर्ट वीडियोस कल अपलोड कर दूंगी। तो उनमें आप एक बार चेक कर लेना। और इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको अभी जब बैक कैमरे से इसको शो करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बैक कैमरे से कैसा लुक देते हैं। और इसके बाद मैं आपको थर्ड पीस दिखाती हूँ, सॉरी सेकेंड पीस। सेकेंड पीस में पहले मैं आपको इयररिंग दिखा देती हूँ। उसके ये इयररिंग है, छोटे छोटे से हैं। और इसका जो सेट है वो इस तरह का होने वाला है, इस तरह का कुछ सिंपल सा है, और एक कुंदन की लड़ी टाइप की है छोटी सी, उसमें छोटा सा पेंडेंट है, बहुत सिंपल सा है ये। सभी प्राइस मैं आपको अभी बताती हूँ। और एक मैं आपको बताऊंगी टीका और इयररिंग का सेट। ये इयररिंग्स हैं, ये गोल्ड में और कुंदन में है। ये है इयररिंग, और इनके साथ है इस टाइप का एक टीका। ये भी बहुत सुंदर है। ठीक, इसमें शायद अभी नहीं है, शायद ये रिंग लाइट की वजह से पता नहीं क्या इशू होता है कि इतना क्लियर ये नहीं आता है। तो मैं अभी आपको इसको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी, तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ये भी छोटे छोटे से इसके इयररिंग्स हैं, बहुत लाइट वेट हैं। और इसके बाद मैं आपको एक ग्रीन कलर का पीस दिखाती हूँ। इसमें मैंने आपको रेड कलर का शायद शो किया है पहले, दिखाती हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह से है, ग्रीन कलर का है, बहुत अच्छा है ये भी। इसमें मीना वर्क हो रहा है और लाइट वेट है, मतलब पहनने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हैवी हमने वियर किया हुआ है, बहुत लाइट है, मीना वर्क है, और इसमें कुंदन का वर्क भी हो रहा है। और इसके साथ एक
इस तरह का टीका है, देखिए इस तरह का टीका है इसके साथ, और उसके इयररिंग्स कुछ इस तरह के हैं। देखिए ये भी बहुत सुंदर है और बहुत लाइट वेट है कि पहनने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि कुछ पहनना है। बहुत सुंदर चीज है ये भी। और इसके बाद मैं आपको एक लास्ट दिखाती हूँ पीस, ये है चोकर में है, रेड कलर में, इस तरह का पीस है। इसके प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। तो अभी जब मैं आपको इसका वीडियो, वो अभी बैक कैमरे से जब इसका वीडियो बनाऊंगी ना, तो फिर तब मैं आपको उसके बताऊंगी कि क्या प्राइस है और इसमें शर्ट है। देखिए बहुत सुंदर है, इसमें भी ना थोड़ा सा मीना वर्क है और कुंदन वर्क, बहुत प्यारे हैं। तो अब मैं आपको इन सबको बैक कैमरे में दिखाती हूँ कि बैक कैमरे से इनका कैसा लुक आता है। ये देखिए बैक कैमरे से कुछ इस सेट का लुक इस तरह का है, और इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 200, सिर्फ 200 रुपीज का ये है, और इसमें प्लस शिपिंग चार्जेस आपके ऐड हो जाएंगे। इसकी कॉस्ट है ओनली 200 रुपीज। नेक्स्ट ये पीस है, इसमें मीना वर्क हो रहा है और कुंदन वर्क हो रहा है। बैक कैमरे से इसका लुक कुछ इस तरह का है, और इसका जो प्राइस है वो है 340 ओनली। और थर्ड पीस में आपको दिखाते हैं, एक सेट ये है जो मैंने आपको दिखाया था। बैक कैमरे से इसका लुक कुछ इस तरीके का है, इसमें मीना वर्क हो रहा है और कुंदन वर्क है, और क्रिस्टल इसमें बीट्स लगे हुए हैं, और ये इसके इयररिंग्स हैं। और इसका जो प्राइस है वो है ओनली 250 रुपीज। और एक रेड पीस दिखाया था मैंने आपको, इसमें भी रेड क्रिस्टल का यूज हो रखा है, और इसमें ये अनकट कुंदन है, ये इसके इयररिंग्स हैं। ये भी बहुत प्रिटी पीस है, और इसकी कॉस्ट है 330 ओनली। और एक आपको ये मैंने इयररिंग और टीका सेट दिखाया था, ये कुछ इस तरह से है, और इसका जो प्राइस है वो है ओनली 150 रुपीज। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा आज का कलेक्शन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अब जो भी मैंने आपको आज ज्वेलरी के पीसेस दिखाए हैं, तो इन ये मतलब पहनने के बाद कैसा लुक देते हैं वो मैं अपने शॉर्ट्स वीडियोस में अपलोड कर दूंगी कल तक। और सच बताऊं तो ये व्लॉग मैं आज अभी मतलब नाइट में शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला था, थोड़ा बिजी थी, और कल भी मैं बिजी हूँ, इसीलिए मुझे अभी नाइट में शूट करना पड़ रहा है ये वाला ब्लॉग। तो मे भी हो सकता है कि मैं उतनी एनर्जेटिक अभी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो ठीक है, जैसा भी है बना दिया है, और अगर कोई भी अगर आपको इसमें इश्यू लगे तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा बोलने की, कुछ अच्छा मतलब आपको दिखाने की, और अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।